अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, आज हम और एक वीडियो लेकर आए हैं आपके सामने। और आप देख रहे होंगे कि स्क्रीन पे उनवान का नाम भी है। उनवान का नाम क्या है? वो है जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से, यानी कि इंग्लिश में अगर हम कहेंगे तो पार्ट्स ऑफ द बॉडी। पेज नंबर इज 49। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से जो है उनको हम उर्दू में क्या 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 कहते हैं और हम उनसे क्या क्या काम लेते हैं। तो सबसे पहले जो है वो यहाँ उन्होंने पिक्चर्स दिखाई हैं, तस्वीर दिखाई हैं, ताकि इनकी मदद से हम इन डैश को फिल कर पाएंगे। तो सबसे पहले है ये, उन्होंने हमसे पूछा है ये क्या है जिस पर बाल होते हैं। इन्होंने हमें ये ऑप्शन दिया है जिस पर बाल होते हैं। तो किस पर बाल होते हैं? सिर पर बाल होते हैं। सो वी हैव टू, तो यहाँ पे हमें लिखना है सिर, यानी कि हमारे सिर पे बाल होते हैं। इसके बाद और एक तस्वीर यहाँ पे दिखाई दी है जो है आँखें। तो यहाँ पे है ये क्या है? ये आँखें हैं जिससे हम देखते हैं। तो आँखों से हम क्या करते हैं? इनसे हम देख पाते हैं। यहाँ पे पहला था सिर, क्योंकि हमारे सिर पे जो है वो बाल होते हैं। यहाँ पे है आँखों से हम देख पाते हैं। इसके बाद और एक तस्वीर है जो ये क्या है? ये नाक है जिससे हम सूंघते हैं, यानी कि हम स्मेल किससे करते हैं? हम किससे स्मेल करते हैं? नोज से, जिसको हम उर्दू में कहते हैं नाक। हमें किसी चीज़ की खुशबू देखनी होती है या कभी कभी हमें बदबू आ जाती है, वो सारी चीज़ें जो हमें महसूस करते हैं या स्मेल लेते हैं वो हम नाक से लेते हैं। इसके बाद है कान यानी कि ईयर। ये कान हैं जिनसे हम सुनते हैं, यानी कि कानों का काम क्या है कि हम उनसे सुन पाते हैं। जो भी आवाज़ हो वो हम कानों की वजह से सुन पाते हैं। इसके बाद है यहाँ पे तस्वीर है, ये क्या है? ये जीभ है जिससे हम बात करते हैं,